राहुल गांधी को आज निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। 47 साल के राहुल कांग्रेस का शीर्ष पद संभालने वाले नेहरू गांधी परिवार के छठे सदस्य हैं। इससे पहले वो 4 साल से पार्टी में उपाध्यक्ष पद पर थे। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ राहुल की ताजपोशी का जश्न मनाया। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने पार्टी की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। शहजाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, जिसके बाद बीजेपी सहित कई पार्टियों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस को लगभग 2 दशक बाद नया पार्टी अध्यक्ष मिला है। इससे पहले वर्ष 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी और वो पार्टी की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष भी रही। सोनिया की अध्यक्षता में पार्टी ने 10 साल तक केंद्र की सत्ता में अपना कब्जा जमाए रखा, लेकिन अब कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें बची हैं। इतना ही नहीं, देश में पार्टी की सिर्फ गिनी चुनी प्रदेशों में सरकार बची है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने पार्टी को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।